मेरे मन की बात। आप नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में पुराने हैं, आप ज्ञानी हैं, आपको इस फील्ड के बारे में सब कुछ मालूम है, आपको सारी नेटवर्क कंपनियों की जानकारी है, आपने अनेक श्रेष्ठ लेखकों की किताबें पढ़ी हैं, आपने एक से बढ़कर एक टेप सुने हैं और वीडियो देखे हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग पर शास्त्र लिखने की योग्यता रखते हैं, लेकिन क्या आप डायमंड हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल विक्ट्री ज्ञान पर। नेटवर्क मार्केटिंग डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी, कितना सच कितना झूठ, पार्ट एक। आप कितना जानते हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि आप कितना अमल करते हैं। हो सकता है कि आप 100 सूत्र जानते हैं लेकिन सिर्फ 5 सूत्रों का ही पालन करते हो, और एक दूसरा व्यक्ति सिर्फ 20 सूत्र जानता है लेकिन उसमें से 15 का पालन करता है, तो वह दूसरा व्यक्ति सफलता के लिए आपसे ज़्यादा योग्य है। सुप्रसिद्ध फिल्म लगान का वह सीन याद करिए जब सरदार देवा सिंह आकर टीम में शामिल होने की इच्छा जाहिर करता है। यह सुनकर एलिजाबेथ पूछती है कि तुम क्रिकेट के बारे में क्या जानते हो? देवा सिंह जवाब देता है, मैं सिर्फ 2 बात जानता हूँ कि जब भी गेंद फेंकूँ तो गिल्लियाँ बिखेर दूँ और जब भी गेंद को मारूँ तो गेंद सीमा के बाहर जा गिरे। इन्हीं लाइनों में जीवन का मर्म छुपा है। आप सिर्फ उतनी ही जाने जितनी बातें काम की हैं और उन पर पूरी ताकत लगा दें तो आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। इसके विपरीत आपका ज्ञान भंडार तो बहुत विशाल है लेकिन उपयोग में नहीं आता है तो आपकी विफलता को कोई नहीं रोक सकता। इस कृति को पढ़ने के बाद आपकी कई धारणाएं टूटेंगी। कुछ बातों पर विश्वास होगा तो कुछ पर अविश्वास, लेकिन एक बात तय है कि आपकी सोचने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एक बार सोचने की प्रक्रिया शुरू हो गई तो सुधरने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। इस कृति को अमली जामा पहनाने का साहस मुझे नेटवर्क मार्केटिंग जुड़ो जोड़ो जीतो की अपार सफलता से मिली। हर रोज सुबह 5 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक पाठकों के फोन कॉल्स ने मुझे प्रेरणा दी। ज्ञान हुआ कि कितनी ज्यादा तादाद में लोग इस व्यापार के माध्यम से सुनहरे भविष्य का सपना संजोए हुए हैं। मुझे ट्रेनिंग हेतु आमंत्रित करने वाली कंपनियों का, पाठकों का तथा परिवारजनों का मैं हृदय से आभारी हूँ। इस पुस्तक को लिखने के दौरान मेरे घर में लक्ष्मी के रूप में मेरी नन्ही बिटिया किरण्या का आगमन हुआ जिससे मेरे परिवार को संपूर्णता मिली। नन्ही किरण्या को यह पुस्तक पापा की प्रथम भेंट है। आभार, शुक्रिया, धन्यवाद। इस ईमानदारी लेखनी को आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। मेरे जीवन की प्रार्थना, नीचे लिखी प्रार्थना मैंने स्वयं के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए लिखी थी और आज हजारों लोग इसे अपने जीवन का हिस्सा बना चुके हैं। आप भी इसे अपना सकते हैं। आइए जानते हैं। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करूं विश्वास। मेरे लिए है जमी, मेरे लिए है आकाश। जो कुछ भी मैं ठान लूं पूरा मैं उसको करूं। चाहे हो भाता कोई, ना मैं रुकूं ना डरूं। उन सबको मेरा नमन जिनसे यह जीवन मिला, गुरुजन और माता पिता, त्रुटियों को करना क्षमा। पाना है मुझको शिखर, खुशियां ही खुशियां जहां। सपने हैं मेरे बड़े, प्रभु रखना अपनी दया। डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर 2010 में 5229 करोड़ का हुआ और 2011 में 6385 करोड़ का हुआ। 2012-13 में 71,064 करोड़ रुपए का हुआ। भारतीय डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन वार्षिक सर्वे रिपोर्ट 2012-13 के अनुसार ये आंकड़े थे। नेटवर्कर प्रास्त क्यों होते हैं? 15 कारण। लोग डूबते हैं तो समंदर को दोष देते हैं, मंजिलें ना मिले तो मुकद्दर को दोष देते हैं, खुद तो चलते नहीं संभलकर अक्सर, जब लगती है चोट तो पत्थर को दोष देते हैं। किसी से भी कुछ मांगने से मत हिचकिचाओ, किसी से प्रेरणा मांगो, किसी से अवसर मांगो। याद रखो, दुनिया में किसी की हैसियत नहीं बोलने से ज़्यादा की नहीं होती, और कोई ना मिले तो ऊपर वाले से मांगो। फरियाद में दम होगा तो उसे भी सुनना पड़ेगा। कारण एक, नेटवर्क व्यापार को गंभीरता से नहीं लेते। मुझे यह कहने में कोई अफसोस नहीं है कि अधिकांश नेटवर्कर MLM को अपना व्यापार नहीं मानते। वो इसे एक टाइम पास मानकर प्रवेश करते हैं और उसी तरह इस व्यापार को छोड़कर निकल जाते हैं। एक छोटी सी पान की कुमटी लगाने वाला, कैंटीन लगाने वाला या कोई अन्य व्यापार करने वाला भी अपने व्यापार को अधिकांश नेटवर्कर की तुलना में अधिक गंभीरता से लेता है। नेटवर्कर जब चाहते हैं तब काम करते हैं, जब चाहते हैं तब काम छोड़कर घर बैठ जाते हैं। कुछ लोगों ने आपत्ति ले ली तो निराश हो जाते हैं, कुछ लोगों ने अपमान कर दिया तो व्यापार छोड़ने का निर्णय कर लेते हैं। इसके विपरीत पारंपरिक व्यापार में किसी दिन ग्राहक आए या ना आए, दुकानदार दुकान खोलकर रहता है।
ग्राहक माल खरीदे या ना खरीदे, वह हर ग्राहक से विनम्रता से बात करता है। वह हर जतन करता है जिससे उसकी दुकान चले। पारंपरिक व्यापार में व्यक्ति अपने कार्य को गंभीरता से लेता है और उसके हर पहलू की जिम्मेदारी लेता है। नेटवर्कर अक्सर भावनाओं पर व्यापार करते हैं और ना नहीं सुन पाते, इसलिए जल्दी से इस व्यापार को छोड़ देते हैं। यदि वे इस व्यापार को गंभीरता से करते तो कोई कारण नहीं है कि वो नेटवर्क मार्केटिंग में असफल हो। नेटवर्कर को इस व्यापार को पारंपरिक व्यापार की तरह प्रतिदिन निश्चित समय देकर, पूरा समर्पण देकर, जुड़ने वालों को और ना जुड़ने वालों को एक सम्मान देकर एक लंबी अवधि की योजना के साथ कार्य करना होगा। डायमंड सूत्र, आज से शपथ लीजिए कि अपने व्यापार को पूरी गंभीरता से करेंगे। कारण दो, वो इस बिजनेस को अपना बिजनेस नहीं मानते। नया जुड़ने वाला व्यक्ति यह मान लेता है कि इस बिजनेस को विकसित करने की जिम्मेदारी अपलाइन की है। कुछ दिन बाद जब डाउनलाइन उसके नीचे आ जाते हैं तो वह ये मान लेता है कि मेरे बिजनेस को विकसित करने की जिम्मेदारी डाउनलाइन की है। वो इस बिजनेस को कभी अपना बिजनेस नहीं मानता। ऐसे लोग कभी कंपनी पर दोष देते नजर आते हैं, कभी अपलाइन पर दोष देते आते हैं, तो कभी डाउनलाइन को दोष देते नजर आते हैं। यह बहुत कम देखा गया है कि कोई नेटवर्कर अपनी असफलता की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले। जब वो दिल से इस बिजनेस को अपना बिजनेस ही नहीं मानते तो वो इसे शिखर तक भी नहीं पहुंचा पाते। जो वस्तु हमारी होती है उसके प्रति हमारी संवेदना बहुत ज़्यादा होती है। अगर कोई व्यक्ति सिनेमा हॉल की सीट पर ब्लेड चला दे तो उससे आपको उतना ही दुख होगा जितना कोई आपके सोफे पर ब्लेड चला दे। यदि किसी और का बच्चा धूल में खेल रहा है तो आपको उसकी इतनी परवाह नहीं होती, पर यदि आपका बच्चा धूल में खेल रहा है तो आप तुरंत उसे साफ करेंगे। ठीक उसी तरह जिस व्यापार से आपका दिल, दिमाग और आत्मा जुड़ी होती है, वो व्यापार किसी कीमत पर असफल नहीं हो सकता, क्योंकि आपको उसकी हर पल परवाह होती है। जब कोई नेटवर्कर इस व्यापार को अपना मानता है तो उनकी पीड़ा व संवेदनशीलता इस व्यापार के प्रति ज़्यादा होती है। जब संवेदना ज़्यादा होती है तब वह इस व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए नित नए प्रयास करते हैं। वे नए लोगों से मिलते हैं, जुड़ते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं और किसी भी तरह व्यापार को बड़ा करने का सपना देखते हैं। उनके मन में कभी भी यह विचार नहीं आता कि इस व्यापार को छोड़ दिया जाए, क्योंकि जो चीज़ अपनी है उसे छोड़ा कैसे जा सकता है। डायमंड सूत्र, शपथ लीजिए कि किसी भी परिस्थिति में व्यापार को छोड़ने के बारे में नहीं सोचेंगे और इस व्यापार को 100% अपना मानकर मेहनत करेंगे। कारण तीन, नेटवर्कर के पास सपने नहीं होते। बहुत से लोगों के पास नेटवर्क मार्केटिंग में क्या उपलब्धि हासिल करना है इसको लेकर कोई ठोस सपना नहीं होता। कोई दूसरा उन्हें प्रेरित कर देता है, किसी की तरक्की से तो प्रभावित हो जाते हैं या दूसरों की बातों से वो नेटवर्क का हिस्सा बनने का निर्णय तो कर लेते हैं, लेकिन वो अक्सर अपने सपनों को नहीं जोड़ पाते। कुछ लोग बड़ी बड़ी बातें कहने के लिए कह देते हैं कि मुझे इतना बड़ा घर चाहिए, मुझे लग्जरी कार चाहिए, मुझे विदेश यात्रा करना है, मेरे पास ढेर सारा बैंक बैलेंस होना चाहिए, लेकिन उन्हें खुद यकीन नहीं होता कि वह उपलब्धि उन्हें कभी हासिल होगी। जब खुद को ही यकीन नहीं हो तो दूसरे आपकी मदद नहीं कर सकते। मुझे यह कहने में कोई अफसोस नहीं है कि जो सपने दिल से नहीं बनाए जाते वह जुबान के स्तर पर ही खत्म हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति इस व्यापार में आता है उसके पास कोई ना कोई दिल से जुड़ा कारण अवश्य होना चाहिए। बिना सपनों वाला व्यक्ति इस व्यापार में कभी सफलता हासिल नहीं कर सकता। आपके पास कोई भी सपना क्यों ना हो, अपने बच्चों को कुछ शिक्षा दिलाने का सपना, बुढ़ापे में शानदार रिटायरमेंट का सपना, समाज सेवा में योगदान करने का सपना, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का सपना, अपने लिए अच्छी मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने का सपना या तमाम लग्जरी जुटाने का सपना, यदि आप सिर्फ औपचारिकताओं के तौर पर सपनों को बनाएंगे और उन सपनों से भी जुड़ाव नहीं होगा तो ये सपने आपको कभी प्राप्त नहीं होंगे। यदि आपके सपनों में दम होगा तो किसी की भी हिम्मत नहीं है कि वो आपके सपनों को आपसे छीन कर ले जाए। यदि सपने ही नहीं है या कमजोर हैं तो उनके सच होने का प्रश्न ही नहीं उठता। मेंट सूत्र, अपने लिए एक सपना ढूंढिए, इस सपने को हर दिन बार बार जागते हुए देखिए और पाने की कामना कीजिए। कारण चार, वो अपने मन के भीतर शर्म महसूस करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोग जल्दी से दूसरों को अपने व्यापार के बारे में बताना नहीं चाहते। वे लोग जो उन्हें जानते हैं या जिस जगह वह उठते बैठते हैं उन्हें वो अपने व्यापार के बारे में बताते हुए असहज महसूस करते हैं।
जब कोई पूछता है कि आप क्या काम करते हैं तो अक्सर झूठ बोलकर कोई और काम बता देते हैं। इसका कारण यह है कि उनके मन के भीतर कहीं ना कहीं झिझक या हीन भावना होती है। जिस व्यापार का आप स्वयं सम्मान नहीं करेंगे, जिस व्यापार से आप दिल से नहीं जुड़ेंगे, तो क्यों आपका व्यापार सफल होगा? जिस काम को करने में आप खुद शर्म और हीन भावना महसूस करते हैं, तो कोई दूसरा उस काम के लिए आपके साथ क्यों जुड़ेगा? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यह कोई हीन व्यापार नहीं है। हमें यह मानना होगा कि भले ही इसमें लागत छोटी है, पर इसमें ताकत है कि वह बड़े सपनों को पूरा कर सके। हमें ऐसे लोगों को नज़रअंदाज करने की कला सीखनी होगी जो हम पर कटाक्ष करते हैं या व्यंग्य करते हैं। ऐसे लोगों पर ध्यान देने की वजह से हमारा मन कमज़ोर पड़ जाता है, हमारे अंदर हीन भावना आ जाती है और हम व्यापार में सक्रिय भागीदारी निभाना बंद कर देते हैं। आप अपने मन से हीन भावना और शर्म को निकाल दीजिए, नहीं तो आप कभी सफल नहीं होंगे। डायमंड सूत्र: शपथ लीजिए कि अपने व्यापार के बारे में हमेशा गर्व और सम्मान से बात करेंगे। कारण 5, वो उत्पादों के जानकार नहीं होते। जैसे ही कोई नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ता है, उसको व्यापार का अनुभव हुए बिना अपलाइन द्वारा सीधा उसके संपर्क की लिस्ट मांगी जाती है। उससे यह पूछा जाता है कि तुम्हारा रिश्तेदार कौन है, तुम्हारे परिचित कौन है, तुम्हारा दोस्त कौन है, और मिलने को कहा जाता है। सच तो यह है कि नए जुड़े व्यक्ति ने अभी तक उत्पाद का उपयोग नहीं किया है, ना ही उसने अभी तक उत्पाद को समझा है। ऐसे में वह किसी प्रोस्पेक्ट के पास बिजनेस से संबंधित बातों को दमदारी से कैसे रख सकता है? उसको अभी उत्पादों की खूबियां और खामियां की जानकारी नहीं है, तो वह सफल नहीं हो पाएगा। हर व्यक्ति को उत्पादों की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। यदि आप उत्पाद के स्वयं जानकार नहीं हैं, आप यूजर नहीं हैं, तो आप उत्पाद के बारे में उतनी दमदारी से बात नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी भावनाएं जुड़ी नहीं होती। प्रोडक्ट प्रस्तुत करते हुए असाधारण आत्मविश्वास होना चाहिए। प्रोस्पेक्ट जब उत्पाद के संबंध में ढेर सारे सवाल पूछना चालू करते हैं और उसे नेटवर्कर में कमजोरी नजर आती है, तो प्रोस्पेक्ट हावी हो जाता है और नेटवर्कर ठंडा पड़ जाता है। आधा व्यापार आत्मविश्वास से बिकता है और आधा खूबियों से। हर व्यक्ति को बिजनेस से जुड़ने के बाद उत्पादों की पूरी जानकारी हासिल करनी चाहिए। अन्य लोग क्या प्रश्न कर सकते हैं, उनके क्या उत्तर होंगे, इसकी जानकारी होनी चाहिए। संभव हो तो उसे उत्पादों का स्वयं उपयोग करके गुणवत्ता को परखना चाहिए। अपलाइन से समझना चाहिए कि क्या बताना है और क्या नहीं। सिर्फ लोगों को जोड़ने पर फोकस करने की जगह उत्पादों की गुणवत्ता और उनके महत्व से भी जोड़ना चाहिए। लोग भविष्य में नए डिस्ट्रीब्यूटर ना जोड़ना चाहें तो भी उत्पादों के यूजर तो बनेंगे। डायमंड सूत्र: अपने उत्पादों के बारे में पूरी जानकारी हासिल कीजिए और हर प्रश्न हेतु तैयार रहिए।